कांग्रेस ने कहा अधिक वोट दिलाने वाले पोलिंग को 25 लाख रुपए दिए जाने का लालच देने वाले मंत्री गोविंद राजपूत की उम्मीदवारी भाजपा को वापस लेना चाहिए। मंत्री पर एफआईआर दर्ज होना ही आरोप को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक वोट दिलाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए का लालच दिए जाने के प्रामाणिक आरोपों के बाद कहा कि ये एफआईआर एक मंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध सीधी चुनौती से जुड़ा मामला है। उस स्थिति में जब भाजपा सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है, ये 25 लाख रुपए का लालच दिए जाने से जुड़ा मामला सीधे तौर पर भ्रष्ट आचरण अपनाने की परिधि में आता है। लिहाजा भाजपा को चाहिए कि वो राजपूत की उम्मीदवारी वापस ले। जब निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश में विधानसभा के प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, उस स्थिति में जो वीडियो गोविंद राजपूत जी का सामने आया है, उसमें वे एक पोलिंग पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिलने पर 25 लाख रुपए की आर्थिक लालच दिए जाने का प्रलोभन कर भ्रष्ट आचरण की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। जब 40 लाख रुपए की सीमा खर्च की है और एक मंत्री एक बूथ पर 50 लाख रुपए देगा, तो हमारा वो आरोप तो स्वतः साबित हो रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है और काले धन का उपयोग माननीय कमलनाथ जी की 2020 में सरकार गिराने में किया था, और उसी काले धन से बिके हुए गोविंद राजपूत अब मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं 25-25 लाख में। हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि उसने बड़ी हिम्मत के साथ एक भ्रष्ट मंत्री के काले धन पर प्रहार करते हुए उसके उपयोग को सही पाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।